नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जून, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता के राम मंदिर पर दिए बयान से भड़की बीजेपी। सीएम नीतीश ने कहा, देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की हो रही है कोशिश। एकनाथ शिंदे के पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस गायब। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को सराहा। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, राहुल गांधी को आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की राजनीति की खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने कहा, देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की हो रही है कोशिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन हज भवन में आयोजित दुआया मजलिस में हज के लिए विदा होने वाले हज यात्रियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग बेमतलब झंझट पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में जो उल्लेखित नहीं है, आजकल वह बातें भी हो रही हैं। देश का इतिहास और आजादी की बातें बदलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए देश सुरक्षित रहे, इसकी आप सभी दुआ कीजिएगा। केसी त्यागी ने नीतीश का मिशन 24 फॉर्मूला को बताया क्लियर। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी एकता की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें कि इसको लेकर 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। वहीं अब इन सभी बातों को लेकर जदयू के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के द्वारा एबीवीपी से हुए साक्षात्कार में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह बैठक 1.5 दर्जन गैर एनडीए दलों का मिलन है, जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस विपक्षी नेता को लेकर 2024 का फॉर्मूला यह है कि जब तक एक उम्मीदवार नहीं होगा, तब तक बीजेपी से लड़ना या हराना मुश्किल होगा। इस बैठक को कुछ दिन के लिए इसलिए टाला गया है क्योंकि 12 जून को होने वाले विपक्षी बैठक में कांग्रेस और द्रमुक के बड़े नेता शामिल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में यह संभावना है कि 23 जून के आसपास यह बैठक आयोजित होगी। हरिभूषण बछौल ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से देश भर में कार्यक्रम चलाकर बीजेपी के द्वारा किए गए कामों को बताया जा रहा है। बता दें कि इसी के तहत बीजेपी के विधायक हरिभूषण बछौल के द्वारा जदयू पर करारा हमला करते हुए बोला गया कि जदयू के पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इसी तरीके की बातें करते रहते हैं, विपक्षी एकता की बैठक कभी नहीं हो पाएगी, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं और आज ये सभी एक होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 12 करोड़ वोट थे और इन लोगों के पास कितना वोट था उसका आंकड़ा इनके पास मौजूद होगा। ऐसे में विपक्ष को एक करना संभव नहीं है। तेज प्रताप क्या बोलते हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। वह खुद अपने विभाग के समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं और सवाल खड़े करते हैं। सीएम नीतीश के सम्राट चौधरी पर दिए गए बयान को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। इन दिनों सम्राट चौधरी द्वारा लगातार सीएम नीतीश पर हमला बोला जा रहा था। इसी का पलटवार करते हुए सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि वर्ष 2020 में सम्राट चौधरी उनकी वजह से ही विधायक बने थे, क्योंकि जब वह चुनाव हार रहे थे तो उनके आग्रह पर मैंने ललन सिंह को सम्राट चौधरी की जीत के लिए काम पर लगवाया था। बता दें कि अब सीएम नीतीश के इसी बयान पर नवल किशोर यादव के द्वारा बयान देते हुए कहा गया था कि नीतीश कुमार की हैसियत ही नहीं है वह किसी को चुनाव जिता दे। नीतीश कुमार ने अपने इस बयान से देश का अपमान किया है। वहीं नवल किशोर के इस बयान पर जदयू एमएलसी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार के द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार की वजह से ही बीजेपी बिहार की सत्ता में है और लंबे समय तक रही। जब पीएम मोदी ने 2019 और 20 में कहा था कि बिहार में एनडीए का चेहरा सीएम नीतीश कुमार हैं, तो बीजेपी अपने इस बयान से पीछे क्यों जा रही है? 2015 में जब बीजेपी को जदयू ने बाहर का रास्ता दिखाया तो बीजेपी को अपनी असल औकात समझ में आ गई थी। कांग्रेस नेता के राम मंदिर पर दिए बयान से भड़की बीजेपी। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के द्वारा बीजेपी को घेरने के दौरान राम हनुमान और मंदिर को लेकर बयान दे दिया गया था, जिससे कि अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। मालूम हो कि सैम पित्रोदा के द्वारा कहा गया था कि हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है।
उनके इस बयान को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग्गे द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि राम जन्मभूमि का फैसला ना हो इसके लिए अदालत जाते हैं, मंदिर के निर्माण का काम ना शुरू हो इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथा कथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है, जो खुद बेरोजगार हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। नीतीश कुमार कुर्सी प्रेम के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता से कोई मतलब नहीं है, वो कुर्सी प्रेम में किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले जिसे जंगल राज बताते थे, अभी वो उसी के साथ हैं, उसी पार्टी के साथ है। दोनों दलों की नीयत एक नहीं है, कुर्सी के लिए दोनों दलों ने समझौता किया है। बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की गरिमा को ठेस लगी है, इसके पहले प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। नीतीश कुमार कुर्सी प्रेम में कभी इस गठबंधन से तो कभी उस गठबंधन से समझौता कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस गायब। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल डोंबिवली में लगे एक पोस्टर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो मौजूद है, लेकिन इस पोस्टर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर शामिल नहीं है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह पोस्टर थाने के पूर्व डिप्टी मेयर रमाकांत माधवी और शिंदे समूह के दीवा प्रमुख के द्वारा लगाया गया है। बता दें कि इस पोस्टर से देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता रविंद्र चौहान की तस्वीर भी गायब कर दी गई है। वहीं जिन लोगों की तस्वीर इस पोस्टर में लगाई गई है उनमें दिवंगत बाल ठाकरे और आनंद दिघे, सीएम शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे की तस्वीर शामिल है। चेतन आनंद ने भाजपा की ईंट से ईंट बजा देने की दी धमकी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। मानपुर स्थित राजमान रिजॉर्ट में फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की तरफ से जेल से बाहर आए आनंद मोहन के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे थे। इसी दौरान चेतन आनंद ने कहा कि मेरे बीच में आओगे तो हम बोल रहे हैं, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अगर मेरे पिताजी वापस जेल गए तो आप लोग सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग लड़ाकू लोग हैं, गलत जगह हाथ डाला है, सबको दिखा देंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पायलट के पार्टी बनाने पर कांग्रेस का नुकसान तय। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिश नाकामयाब रही। ऐसे में अगर सचिन पायलट के द्वारा अपनी नई पार्टी बनाई जाती है तो यह तय है कि कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना होगा, लेकिन इसके साथ ही यह नुकसान बीजेपी को भी झेलनी पड़ सकती है। मालूम हो कि अभी संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव सभी छोटे दल मिलकर लड़ लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब सचिन पायलट के समर्थकों का मानना था कि पायलट ही सीएम बनेंगे, क्योंकि वह पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा, कैसे इंजीनियर है नीतीश कुमार। लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वह कैसे इंजीनियर हैं, दो दो बार ड्रीम प्रोजेक्ट को गिरा दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश खुद को इंजीनियर बताते हैं, इसके बाद भी एक ही पुल दो दो बार गिर जा रहा है। निर्माणाधीन पुल का इस तरह गिरना यह दर्शाता है कि सीएम नीतीश कुमार के नाक के नीचे किस तरह भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उनके इस तरह से काम करने के तरीके को बिहार की जनता ने तो देख लिया है, क्या वह अब इसे देश को दिखाना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि इससे पहले जब पुल का एक हिस्सा गिरा था तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई, कार्रवाई की गई होती तो यह दिन देखने के लिए नहीं मिलता। विपक्षी गठबंधन के मुद्दे पर बोले पूर्व प्रधानमंत्री। जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने बीते दिन कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी सांप्रदायिक है या नहीं। जेडीएस प्रमुख और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश के बारे में सवाल पूछा गया, उन्हीं में से एक सवाल के जवाब में देवगौड़ा ने कहा कि मैं इस देश की राजनीति का विस्तार से विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इसका भी क्या फायदा। मुझे एक ऐसी पार्टी दिखाइए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़ी नहीं है। मुझे पूरे देश में एक पार्टी दिखाइए, तब मैं जवाब दूंगा। मैं ऐसे कई हवाले दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कह सकते हैं, लेकिन क्या वे करुणानिधि डीएमके के पास नहीं गए थे।
जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल तक बीजेपी का समर्थन किया था। इसलिए मैं इस देश में चल रहे राजनीतिक माहौल पर चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। जमाल खान ने कहा, तेज प्रताप यादव तो बाबा ही हैं, सब जानते हैं। बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गए हुए अब 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनके नाम पर सियासत अभी भी जारी है। तेज प्रताप यादव भी अपने बयानों में बाबा का जिक्र करने से पीछे नहीं हटते। इस बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी बागेश्वर बाबा पर धर्म के नाम समाज को बांटने का आरोप लगाया है। इससे पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने कहा था कि सबसे बड़ा बाबा हम हैं। इसी बयान पर जमा खान ने कहा कि तेज प्रताप यादव तो बाबा हैं ही, और इतना बोलकर वो हंसने लगे। ममता बनर्जी के मंत्री ने बांटे 2000 के नोट, भाजपा मंत्री ने उठाए सवाल। भाजपा नेता ने ममता सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह बालासोर ट्रेन हादसे जैसे बहुत ही सेंसिटिव मामले पर भी राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन अब इसको लेकर भी राजनीति होने लगी है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं, और आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री ट्रेन हादसे के पीड़ितों को 2000 रुपये के नोटों में मुआवजा दे रहे हैं, जबकि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। हालांकि इसके लिए सितंबर तक का समय दिया गया है। ट्विटर पर अपलोड एक वीडियो में दिखाया गया है कि पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक पीड़ित परिवार को 2000 रुपये के नोटों में मुआवजा दिया गया है। इस वीडियो में परिवार के लोग 2000 रुपये के नोटों के बंडल हाथ में लिए दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को सराहा। शिक्षक बहाली की नई नियमावली को लेकर एक और जहां भारी संख्या में लोग विरोध जता रहे हैं, वहीं शिक्षा मंत्री नए नियमावली से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि शिक्षक अभ्यर्थी नई शिक्षक बहाली नियमावली को लेकर नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला संपूर्ण लोग उठा रहे हैं, तो यह भी बताएं कि आज तक कोई शिक्षक बहाली में विज्ञापन देखे थे क्या? इससे पहले की सरकार में भी विज्ञापन निकलते थे और अभी भी विज्ञापन निकला है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि इस विज्ञापन से यह तो साफ है कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा, राहुल गांधी को आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। केशव प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहिए। दरअसल केशव प्रसाद मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर आगरा व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे थे, जिसमें राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव को गुंडों का सरदार बताया है। फिलहाल आज की राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है, उनके नाम हैं नुन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, अजीत पोरस, मोहम्मद शाकिर हुसैन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप शिक्षक नियोजन की नई नियमावली से संतुष्ट हैं या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।